तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है दिन में दो बार, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। आदमी जब हंसता है ना तो मेरी पूरी बॉडी में ना थरथराहट सी हो जाती है, बड़ी जोर से मुक्का आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अकले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अजय देवगन के फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के 5 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार के फिल्म गुड न्यूज के 19 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन दोनों फिल्मों ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर ली। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें सुपरस्टार अक्षय कुमार के फिल्म गुड न्यूज के बारे में, तो दोस्तों कॉमेडी ड्रामा फिल्म गुड न्यूज जिसे रिलीज किया गया था 27 दिसंबर को और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज पूरे हो चुके हैं 19 दिन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राज मेहता के डायरेक्शन में बनी गुड न्यूज फिल्म, जिस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ में दिलजीत दोसांझ, करीना कपूर और कियारा आडवाणी नजर आए थे। दोस्तों फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ रुपए था और फिल्म को अपने पहले हफ्ते में 3000 से ज्यादा स्क्रीन में इंडिया में रिलीज किया था। वहीं इस फिल्म को ओवरसीज मार्केट में 600 से 700 स्क्रीन मिली थी। दोस्तों बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें फिल्म को इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अपना तीसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिल्म तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती जा रही है। जी हां दोस्तों, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही अपने पहले दिन 17 करोड़ 56 लाख रुपए की कमाई की थी और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 127 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे और दूसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन था 53 करोड़ 46 लाख रुपए। बात करें तीसरे हफ्ते की, तो दोस्तों तीसरे हफ्ते से सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म तानाजी और दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक रिलीज हो गई। उसके बाद फिल्म की स्क्रीन काफी कम कर दी गई, लेकिन कम स्क्रीन में भी फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते के 15वें दिन कमाए लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए, 16वें दिन कमाए 3 करोड़ 6 लाख रुपए, 17वें दिन कमाए 3 करोड़ 60 लाख रुपए, 18वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 1 करोड़ 20 लाख रुपए और फिल्म 19वें दिन लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का शुरुआती 19 दिनों में टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 192 करोड़ 50 लाख रुपए, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 228 करोड़ रुपए। बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों गुड न्यूज फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से टोटल कलेक्शन किया है 70 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 298 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म आने वाले 2 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ की कमाई कर चुकी होगी। आपको बता दें दोस्तों गुड न्यूज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है ब्लॉकबस्टर हिट। तो चलिए अब बात करते हैं अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के 5 दिनों के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों 10 जनवरी को रिलीज हुई हिस्ट्रिकल वार ड्रामा फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिस फिल्म का डायरेक्शन किया है मराठी डायरेक्टर ओम रोथ ने और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है अजय देवगन, जिन्होंने किरदार निभाया है तानाजी मालसुरे का। वही फिल्म में नजर आ रहे हैं सैफ अली खान, उनके अलावा फिल्म में है काजोल मैम। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में शरद केलकर भी हमें नजर आ रहे हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया है। बात करें दोस्तों फिल्म के कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म को रिलीज हुए आज पूरे हो चुके हैं 5 दिन, लेकिन फिल्म 5वें दिन तक बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती जा रही है। जी हां दोस्तों, लगभग 110 करोड़ के बजट में बनी तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म को हिंदी और मराठी दो भाषाओं में रिलीज किया है। साथ ही साथ फिल्म का 3D वर्जन भी रिलीज हुआ है। बात करें फिल्म के स्क्रीन काउंट के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को दोनों भाषाओं में और 3D में ऑल इंडिया से लगभग 3880 स्क्रीन मिली थी, वही ओवरसीज मार्केट से 660। दोस्तों फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन हिंदी वर्जन से कमाए थे 15 करोड़ 10 लाख रुपए और मराठी वर्जन से कमाए थे 2 करोड़ रुपए, यानी कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन लगभग 17 करोड़ रुपए रहा था। वही बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो फिल्म ने दूसरे दिन ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन किया था लगभग 21 करोड़ रुपए। दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला था तीसरे दिन यानी संडे, और फिल्म ने संडे हिंदी वर्जन से कमाए थे लगभग 26 करोड़ 8 लाख रुपए और मराठी वर्जन से 1 करोड़ रुपए, यानी कि फिल्म ने तीसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन
कलेक्शन किया था 27 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों फिल्म के जो चौथे दिन के कलेक्शन है यानी मंडे के, वो भी काफी बढ़िया रहे और फिल्म ने अपने चौथे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास का। अब बात करें दोस्तों फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन की, तो फिल्म को पांचवें दिन भी काफी बढ़िया ऑक्यूपेंसी मिली और फिल्म ने मॉर्निंग वाले शोज में लगभग 28% की ऑक्यूपेंसी ली, वही आफ्टरनून वाले शोज में फिल्म को 35% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी मिली। तो दोस्तों अभी तक जो रिपोर्ट आई है उस हिसाब से देखे जाए तो यहाँ पे तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म अपने पांचवें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 11 करोड़ 50 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का शुरुआती 5 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 85 करोड़ रुपए, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 101 करोड़ रुपए। और बात करें ओवरसीज कमाई की, तो फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन अभी तक रहा है 17 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म का शुरुआती 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 118 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर हिट। वैसे दोस्तों अगर आपने तानाजी द अनसंग वॉरियर और अक्षय कुमार की गुड न्यूज ये दोनों फिल्में देखी तो आपको इनमें से सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी, तानाजी द अनसंग वॉरियर या फिर गुड न्यूज? अपनी फेवरेट फिल्म का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले।